हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी जो एंड वी आर बैक। तो यार आज के एपिसोड में हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट फिर से, और आज के एपिसोड में यार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग यार बेस बनाने वाले हैं। तो मैं पिछले एपिसोड में बता देता हूँ क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में यार हमने ये वाली लोकेशन ढूंढी थी जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे यार मैंने पीछे अपना सामान भी रखा हुआ है जिससे यार हम लोग बेस बनाने वाले हैं। ओके, तो यार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस जगह से क्योंकि मैं चाहता हूँ यार इधर कहीं पे अपना बेस बनाना। तो पहले मैंने यार इस जगह पे सोचा था अपना बेस बनाने का, तो अभी मैं यहाँ पे नहीं उस जगह पे बनाऊंगा उधर सामने, क्योंकि यार इधर खुली जगह भी है थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो यार मेरे को पूरे एरिया को क्लीन करना पड़ेगा, मतलब पूरे एरिया को प्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यार मेरे को एक शॉवल चाहिए होगा क्योंकि यार ये जो ग्रास ब्लॉक्स है ये मेरे को काटने पड़ेंगे, मतलब हटाने पड़ेंगे। उसके बाद यार मैं इसको थोड़ा बहुत प्लेन कर दूंगा, और इधर पानी वगैरह भी है इसको भी हटा दूंगा। तो यहाँ पर यार पानी की भी यार काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, और तुम लोग यार शेडर देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है। तो उसके अंदर भी यार तुम लोग देख सकते हो यार पानी के अंदर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये शेडर यार बहुत काम का है, बस थोड़ा थोड़ा लैग होता है। तो इस शेडर का नाम है ज़ेब्रा शेडर, तो तुम लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो यार चाहे तो। बाकी यार मैंने इसको सिर्फ गूगल में सर्च किया था और मेरे सामने यार डाउनलोड लिंक आ गया था। तो अभी यार करते काम शुरू। और सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो यार मैं इस वाले को क्लियर करता हूँ क्योंकि जिस पे यार मैं खड़ा हूँ अभी यही सबसे गंदा दिख रहा है, और ये वाली जगह भी यार मैं भर दूंगा। तो यहाँ पे पेड़ वगैरह भी यार ज़्यादा तो नहीं है, बट चलो मैंने ऊपर लगा दिया है। तो सबसे पहले यार मेरे को चाहिए होगा एक शॉवल जो मेरे पास है। ओके, तो यहीं पर है, तो करते यार अब काम शुरू। एक काम करता हूँ यार, इधर से ही शुरू कर देता हूँ क्योंकि यहीं पे यार बहुत गंदा दिखाई दे रहा है। तो मैं इधर से ही शुरू करता हूँ और जल्दी से यार करते हैं पूरी की पूरी सफाई। ओके, तो यार हम लोग आ चुके हैं वापस, और सीरियसली बताऊं तो यार 3 दिन लग गए मेरे को ये बेस बनाने के लिए। इवन ये थंबनेल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर यार सीरियसली मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए यार ये मेरे लिए कासल जैसा ही है। तो अभी तुमको मैं दिखा देता हूँ, तो 3, 2, 1, तो ये देख सकते हो यार तुम लोग। ओके, तो यार ये बेस ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट चलो यार बहुत बढ़िया बेस बना दिया है, मतलब मैं इतनी जल्दी यार पहली बार इतना मस्त बेस बना हुआ है क्योंकि यार मैं पहली बार इस गेम को खेल रहा हूँ और इतना बढ़िया बेस मुझे लग रहा है ये। तो तुम लोग यार आइडियाज़ दे सकते हो चाहे तो अपनी तरफ से भी। बाकी मैं तुमको बता देता हूँ यार कि मैंने किया क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे यार बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए थे और उसके बाद ये सब बनाया, और इधर जो भी सामान लगा है यार वो सिंपल वुड और कबल स्टोन से बनाई हुई ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पे मैंने इस तरीके से सीढ़ियाँ वगैरह लगा के रखी है। साथ में यार मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, मैंने चारों तरफ फेंस भी लगा रखी है। तो ये यार इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था लगाने में, और ये देख सकते हो यार तुम लोग ग्रास ब्लॉक्स भी लगा के रखे हैं। तो फिलहाल अभी बताता हूँ यार मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। तो सबसे पहले होती है यहाँ से एंट्री, और जो तुम लोग ये जगह देख रहे हो यार ये मैंने अपने स्टोरेज बॉक्स के लिए बना रखी है, और ये इसलिए इस जगह है क्योंकि यार मेरा ज़्यादा का मतलब ज़्यादा काम यार बाहर ही होगा, तो इसीलिए मैं इस जगह पे सामान रखने वाला हूँ। वहीं पे यार दूसरी तरफ आ जाओगे तुम तो तुमको दिख जाएगी ये वाली जगह। तो इधर मैंने कुछ तो नहीं किया है, बट मैं सोच रहा था कि इधर यार कुछ रख दूँ, मतलब कि यार जो भी मैं बाहर से सामान लाऊँगा वो यहाँ पर रख दूँगा, और उसके बाद अरेंज करके यार मैं दूसरी जगह रख दूँगा। तो सोचते हैं यार इस जगह क्या करना है। बाकी तुम लोग यार कमेंट भी कर सकते हो इस जगह के बारे में कि क्या करना चाहिए, या तो यार हम इसको फर्नेंस के लिए भी बना सकते हैं इस जगह को, ताकि यार मैं जो भी सामान बाहर से लाता हूँ उन सब की यार यहाँ पे पिघला सकता हूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर, और अंदर जाते यार तुमको सबसे पहले दिखेगा ये खूबसूरत नज़ारा। तो यार ये मैंने बहुत मुश्किल से बना रखा है, इसको बनाने के लिए यार मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि मेरे को नहीं यार आ रहा था ये बनाने, और मैंने बहुत मुश्किल से बनाया। तो अभी ये देख सकते हो तुम लोग मेरा बेडरूम, तो ये भी यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और अभी यार मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कारपेट्स भी लगा दूँ, तो कारपेट्स अभी मेरे पास है नहीं अभी, जो कि यार हमको शिप्स में मिलते हैं और मेरे को शिप्स यार पालनी पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं फार्म बनाऊंगा उसके लिए, बाकी यार ये बाद की बात है। तो अभी मैं तुमको ये वाला रूम भी बता देता हूँ, तो यहाँ पे भी यार ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया है ऐसे तो, और मैंने यार सोचा भी नहीं है इधर क्या करना चाहिए। तो अभी मैं इस साइड ले आता हूँ, और ये देखो यार ये वाला रूम मैंने सोचा यार मैं पोशन वगैरह बनाऊंगा यहाँ पर। और ये वाला रूम जो तुम लोग देख रहे हो यार ये बहुत काम का बना रखा है मैंने, मतलब कि यार इधर मैं इंचेंटमेंट टेबल वगैरह रखूँगा जिससे कि यार मेरे लेवल्स बढ़ जाते हैं, मतलब जो भी यार वेपन्स होते हैं उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, उनमें इंचेंटमेंट डाल सकते हैं।
ओके, तो फिलहाल मैंने सब कुछ तो बता दिया अंदर का, अब ले चलता हूँ यार तुमको ऊपर। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हो यार, ये सीढ़ियाँ मैंने बना के रखी है, तो इसको भी यार ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, पर यार ये बहुत मुश्किल से बनाई थी मैंने। और अभी ले चलता हूँ तुमको इस जगह, तो लेंटर ज़्यादा साफ तो नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। और ये देखो यार गजब चीज़, तो यार ये वाली चीज़ यार बनाने को मेरे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी, क्योंकि मेरे को यार बाहर ब्लॉक लगाने पड़ रहे थे बार बार, तो और इस जगह मैंने सोच नहीं रखा यार अभी मैं क्या करने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ पे, जब भी यार मेरे को ज़रूरत होगी तब मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिलहाल यार हमारा काम नीचे वाली मंजिल से ही हो जाएगा। ओके, तो लगभग यार मैंने तुमको सभी चीज़ें बता दी अपने बेस के बारे में, और अभी एक काम कर लेते हैं, अभी यार यहाँ पे चेस्ट वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने तुमको बताया ये मेरा चेस्ट रूम बनने वाला है, मतलब जो भी यार मैं स्टोरेज रूम बनाने वाला हूँ वो बनने वाला है। तो उसके लिए यार मेरे को चाहिए रहेगा वुड, और मेरे पास एक भी वुड नहीं है, तो आई थिंक यार मैंने चेस्ट में भर के रखा था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वुड यार इकट्ठा करके रखा था, और ऊपर से भी यार मैं लेके आया था। तो ओके, मेरे पास एक स्टैक पड़ा हुआ है और दो चेस्ट भी थी, तो एक काम करता हूँ से बना लेता हूँ। और ओके, तो सिर्फ 8 चेस्ट बन पाएंगी, मतलब टोटल मेरे पास 10 चेस्ट हो गई, तो फिलहाल यार मेरे को थोड़ी और चाहिए थी। तो ओके, तो ये रहा वुड, और इसको मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ, और एक काम करता हूँ चेस्ट भी बना लेता हूँ। ओके, तो सिर्फ यार मेरे पास 14 चेस्ट है, मेरे को और भी चाहिए होगी, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ओके, यहाँ पे यार ये देखो पिग्स भी स्पॉन हो चुके हैं, और ये घोड़े वगैरह तो यहीं पे थे पहले से, तो इनको भी यार मैं फार्मिंग करूँगा इनकी भी अभी, मतलब यार इनको पालना पड़ेगा। तो अभी यार इस जगह पे रख देता हूँ मैं चेस्ट, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये जो खिड़की है यार इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं इस जगह लगा लेता हूँ। तो कोने में मैंने इसने नहीं लगाया, क्योंकि यार उधर कई बार फंस जाता है, तो ओके अभी एक काम करता हूँ मैं इस इधर ऊपर ही लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं यार ये खिड़की बंद हो जाएगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, बट चलो कोई बात नहीं, मैं इस जगह लगाऊंगा ही नहीं चेस्ट। तो मैं इसको हटा दूंगा पहले यार खिड़की को, उसके बाद यार ये सब कर दूंगा। तो फिलहाल यार मैं चेस्ट तो लगा दिया, और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे भी एक आधी चेस्ट लगा दूँ, बट चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैंने इधर तो चेस्ट लगा दिया है, और अभी एक काम करना बाकी रह गया है, इनको यार आइडेंटिफाई करने में मेरे को तकलीफ़ ना हो उसके लिए मैं इधर एक चीज़ लगाऊंगा, तो वो फ्रेम होती है यार, उसको फ्रेम बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए आई थिंक मेरे पास क्या चाहिए था मुझे ओके, तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा, तो इसको बनाने के लिए चाहिए यार ये स्टिक्स और एक लैदर। तो अभी मेरे पास स्टिक्स तो बहुत कम है और लैदर भी नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं पहले तो स्टिक्स ही बना लेता हूँ। तो स्टिक्स बनाने के लिए स्टैक्स बनाने पड़ेंगे, और फिर स्टिक्स बना सकते हैं। ओके, तो मेरे पास 23 स्टिक्स तो हो गई है, और अभी क्या करते हैं यार, एक काम करते हैं, मेरे पास लैदर तो नहीं है, तो इन्हीं घोड़े को मार के ले लेते हैं। तो मेरा घोड़ा यार ये रहा, और ये ऐसे फालतू घूम रहे हैं, तो इनको मार लेते हैं हम। ओके, तो हमारे पास यार काफ़ी लैदर तो हो चुका है, मतलब 6 लैदर यार काफ़ी होगा, और 2 और मिल गया, तो हमारे पास टोटल 8 लैदर हो गया। हमारे पास सिर्फ यार 7 चेस्ट है, जबकि हमारे पास 8 लैदर हो गया, तो बहुत बढ़िया। तो अभी चलते हैं यार यहाँ पे, और हम लोग बना लेते हैं उस फ्रेम को। तो वो फ्रेम रही है, ओके, तो सिर्फ 2 ही बन पाई है, पता नहीं क्यों। ओके, तो आई थिंक यार मेरे पास स्टिक्स की कमी पड़ गई है, तो एक काम करता हूँ मैं और स्टिक्स बना लेता हूँ, और ये भी बना लेता हूँ। अभी भी यार सिर्फ 4 ही हुए, तो कोई बात नहीं यार, अभी मैं सिर्फ 4 लगाऊंगा, बाद में यार ऑफलाइन होके मैं लगा दूंगा बाकी भी। तो अभी फिलहाल यार चलते हैं इधर, और सबसे पहले तो यार लगाने के लिए तुमको बस क्राउच कर देना है, तो क्राउच करने के बाद यार तुम लगा पाओगे, तो इस तरीके से तुम लगा सकते हो। तो इधर भी लगा देता हूँ, इधर भी, और ओके, तो एक काम पड़ गया, एक काम करता हूँ इधर का तोड़ देता हूँ, और ओके, और वो मैं इधर लगा देता हूँ साइड में, ताकि यार इधर बढ़िया लगे। तो आई थिंक अब बढ़िया लग रहा है, और ये नीचे वाला थोड़ा बेकार लग रहा है, बट चलो कोई बात नहीं। तो अभी यार मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊँगा वो मैं तुमको बता देता हूँ। तो जैसे कि यार ये मेरे पास डस्ट ब्लॉक है, बस मेरे को इस पर टैप कर देना है, और ये इस तरीके से लग जाएगा। तो अभी हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं, बाकी यार ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, बाकी मैं बता देता हूँ। तो इस तरीके से यार टैप करके तुम कर सकते हो, और होल्ड करके यार ये निकल भी जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको लगा देता हूँ। तो आई थिंक ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करता हूँ मैं बकेट लगा देता हूँ। तो ओके, अब ठीक लग रहा है। तो इसी तरीके से यार हमको सब जगह लगाना पड़ेगा, मतलब अगर तुम लोग इधर आयरन का बना रहे हो, तो आयरन का कुछ लगाना पड़ेगा, मतलब जिससे यार तुमको पता लग जाए। और इसका भी यार कुछ कर देते हैं, और इधर मैं सोच रहा था आयरन वगैरह रखने का। तो अभी फ़िलहाल हमने सब कुछ तो कर ही दिया है।
तो गाइज अब मैं तुमको यार बता देता हूँ कि अगले एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अगले एपिसोड में यार हम लोग जाने वाले हैं, मतलब करने वाले कुछ ना कुछ, तो मैं तुमको जाके बता देता हूँ। तो मैं सोच रहा था यार कि अपना यार अपने मतलब जो भी जानवर वगैरह पालने होंगे, मतलब जो भी यार हमारा ये फार्म होगा उसको हम इस तरफ बनाएं। और यहाँ पे यार ये देखो शिप्स वगैरह भी आ गई है, तो ये कारपेट वगैरह बनाने काम आएगा, मतलब इनका वूल। और इनकी भी यार मेरे को फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो इधर एक और था आई थिंक, इधर गया है, तो इधर तो नहीं है, ओके तो वहाँ रहा। तो मैं बस इनकी यार ब्रीडिंग करवा दूंगा और इनसे मेरे को बाकी भी मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो दो ही है, बट चलो कोई बात नहीं। तो गाइज आज के एपिसोड में यार बहुत ज़्यादा बातें हो गई, क्योंकि यार मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस एपिसोड को बनाने के लिए, और तुम भी यार बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे इस बात से, बट चलो कोई बात नहीं। तो अगर यार तुमको ये बेस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।